वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट लिखनी है. इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय नेट फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, नेट फोर्स को बॉक्स में प्रॉपर डाल लो, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल पक्का गलत हो जाएगा. आज जो न्यूमेरिकल दूंगा, क्योंकि फोर्स कई तरीके की, अप्लाइड फोर्स है, फ्रिक्शन की फोर्स है, फिर नेट फोर्स है, अलग अलग फोर्सेज हैं. तो वर्क डन बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. जैसे आज मैंने लगा के दिखाया कि अगर आपके पास, मान लो आपके पास एक बॉडी है जिस पे एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही है, वेलोसिटी उसकी यू से वी हो गई, तो वेलोसिटी यू से वी हो गई, तो यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, और यहाँ पर फाइनल कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर. तो आपने कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. क्या स्टेप यहाँ तक क्लियर है? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन. ये आपको प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम. तो वर्क एनर्जी थ्योरम में बिल्कुल सेम डेरिवेशन है जो अभी आपने काइनेटिक एनर्जी की थी. पहला स्टेप, अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना किया होगा, एफ डी एस कॉस जीरो. तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी आपने स्मॉल लेना है. एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एम इन टू ए. ए क्या होता है, डी वी बाई डी टी. इस एफ की जगह एम डी वी बाई डी टी यहाँ पे पुट कर देते हैं, एम डी वी बाई डी टी, तो डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वी हो जाएगा. सेम काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन भी की थी मैंने. अब बस फर्क है कि लिमिट क्या है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई, यू से वी, तो यहाँ पर लिमिट यू से वी. वर्क डन जीरो से डब्ल्यू, तो डब्ल्यू हो गया. वी की इंटीग्रेशन क्या है, वी स्क्वायर बाई टू. वी की जगह एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. इसे ओपन करो, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क डन. तो ये प्रूफ आपने करके जाना है. क्लियर है यहाँ तक?